हेलो स्टूडेंट, बीडीएस के ई लर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 की कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 3 साइन इनवर्स है इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। इस प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है, यानी लेट हमने सपोज किया साइन इनवर्स x इक्वल टू a। नाउ साइन a इक्वल टू x, देन अब यहाँ पर हम अगर प्रूव करें तो 3 साइन इनवर्स x को मैंने a रखा है, राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या साइन इनवर्स 3 x की वैल्यू है साइन a माइनस 4 साइन क्यू a। अब ये क्या चाहिए इक्वल साइन इनवर्स, ये हमारा चाहिए का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला साइन टी ए का साइन टी ए। नाइट नाउ प्रॉपर्टी 3 a इज इक्वल टू 3 a, हेंस यानी हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में क्या है इक्वल। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है कि 10 इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 10 इनवर्स 2 अपॉन 20 7 अपॉन 24 इक्वल, सो करना है 10 इनवर्स 1 अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया 10 इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 10 इनवर्स 7 अपॉन 24। नाउ फार्मूला अप्लाई करेंगे 10 इनवर्स x प्लस y यानी 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 24। 10 इनवर्स एलसीएम हो गया 11 मल्टीप्लाई 24, 24 टू 4 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 48 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 24 इसका भी एलसीएम होगा, ठीक है। 11 4 जा 24, 11 2 जा 22 के बाद 23 24 25 36 माइनस 7 2 जा 14 क्रॉस करेंगे तो ये और ये 10 से क्या बचेगा 10 इनवर्स, ये हो गया 8 अगला और 7 4 11 12। अब इसमें 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, यहाँ 2। अब ये हो गया 5 25 5 4 और 25 9 4 25 10 4, ठीक है। तो ये हो गया 10 इनवर्स 5 अपॉन 10 सब्ट्रैक्ट मतलब इसे और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये हमारा आ गया 10 इनवर्स 1 अपॉन 2। दिस इज राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया है 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b इज इक्वल टू 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स को टास्क सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।